बड़े आश्चर्य आता है मुझे बहुत बार कि राम की लीलाओं को कृष्ण के साथ जोड़ते हैं और वहाँ भी मुझे बड़ा आश्चर्य आता है कि दिखाया जाता है, सब कुछ आपके सामने होता है कि कर्म का भोग उदाहरण के लिए दिखाया जाता है, लेकिन वो तत्व निष्कामी हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि उन्हें कर्म का दोष नहीं लगता। ये निश्चित है कि उन्हें कर्म का दोष नहीं लगता। जब उन्हें कर्म का दोष नहीं लगता तो उस उनके कर्म करने से ना उन्हें सुख होगा, ना दुख होगा, ना अगला जन्म मिलेगा, ना नया शरीर मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग भ्रम के कारण से, भूल के कारण से इतने बुरी तरह फंस गए, निकलने का मार्ग नहीं रहा। उस समय के अंदर जो आज की पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा बोली जाती है, व्यास जी का जन्म का आप लोगों को पता होगा, सब पढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि माता श्री के बारे में भी कि नाव के अंदर पराशर ऋषि के साथ भोग हुआ और वेदव्यास का जन्म हुआ, कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ। कुछ लोग घुमा फिरा करके बात करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साफ स्पष्ट शब्दों में ये चीज़ें लिख दी गई हैं, लेकिन फिर भी कोई किसी वजह से, कोई किसी कारण से, न जाने कितने स्वार्थ रहे होंगे, कोई और भी कारण रहे होंगे, किन बातों को घुमा घुमा करके इतना स्थिति खराब कर दी गई कि साधारण मानव के ये चीज़ें समझ आनी बंद हो गई और वहाँ तक सोचना दुभर हो गया। तो उनके कारण से ये शुरुआत हुई। गुरु और शिष्य का जो मिलन होता है वो अद्भुत और अलग मिलन होता है, क्योंकि गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता और शिष्यों को भी अपने कल्याण से मतलब होता है कि जीव का कल्याण हो जाए, कि ये शरीर छूटने से पहले ये जीव उस स्थिति को प्राप्त कर ले, आत्म तत्व को प्राप्त कर ले, जीवन मुक्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप इस शरीर को छोड़ोगे तब जाकर के ऊपर आपको घर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हमने राम के साथ भी यही सारी कल्पनाओं के खेल खेल दिए, हमने कृष्ण के साथ भी कल्पनाओं के खेल खेल दिए। जब मैं दरबार का जिक्र करता हूँ, वहाँ भी हमने कल्पनाओं के खेल खेल दिए कि वहाँ जाएंगे, राजा की तरह वो बैठे मिलेंगे परमात्मा, शरीर लेकर के बैठे होंगे, मैं दंडवत प्रणाम करूँगा, वहाँ पहुँचूँगा, बैठ जाऊँगा, आसन लगे होंगे, मंद सुगंध हवाएँ बहती होंगी। ये जो कल्पनाएँ हैं ना, ये सत्य से बहुत दूर की चीज़ें हैं। सत्य के ये कल्पनाएँ आसपास भी नहीं है जी, इस कारण से नहीं है कि ये चीज़ें वहाँ तक लेकर के नहीं जाएंगी। लोगों के जो स्वामी हैं उनके साथ इस प्रकार की सोच और कल्पनाएं की जा सकती हैं,
कि वो एक राजा होते हैं और राजा की तरह से ही व्यवहार होता है, ऐसे ही उनका शासन चलता है, ऐसे ही आत्माओं की आवाजाही होती है। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा वहाँ ऐसा व्यवहार नहीं होता, वहाँ आप नूरी देह से भी नहीं जा सकते, वहाँ मात्र आत्माएं जाएंगी, देह कोई भी नहीं जाएगा, चाहे वो कैसा भी शरीर हो, कितने भी तत्व का शरीर हो, शरीर वहाँ नहीं जाएगा, जितनी भी जाएंगी आत्मा ही जाएंगी। और सुख और दुख लोकों के अंदर जो भोग भोगे जाते हैं वो कर्म के कारण से होते हैं, आपके पुण्य प्रतापों के कारण से होते हैं, और जब वो कम होते हैं, धीरे धीरे जितने अक्षीण होते रहते हैं उतनी वहाँ की आयु कम होती रहती है, वहाँ कर्म नहीं कर सकते हम, किसी भी लोक के अंदर हम कर्म नहीं कर सकते, चाहे वैकुंठ का लोक हो चाहे गोलोक हो। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि गोलोक में जाएंगे दूध की नदियाँ बहती होंगी, गोलोक में जाएंगे वहाँ गोपियाँ मिलेंगी, गोपाल मिलेंगे, कान्हा मिलेंगे, संग साथ रहेंगे, सानिध्य होगा। इस भ्रम से थोड़ा सा ऊपर उठिए आप लोग, क्योंकि आप जो आज प्रयास करेंगे जागने का, उठने का, मार्ग पर चलने का, वो आपके भविष्य को निर्धारित करेगा, वो आपके एक एक कदम को आगे निर्धारित करेगा। क्योंकि इस संसार के अंदर सबको जाना है, लेकिन जीव सब बोलते हैं अकेला जाएगा।